नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में प्रमुख संविधान संशोधन यानी कि भारत के संविधान में कितने संशोधन हुए इसके बारे में जानेंगे, साथ साथ कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन है जो कि परीक्षाओं में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो में बने रहें और आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि अभी आप तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले, और लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो संविधान संशोधन शुरू करने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भारत का संविधान के बारे में। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च विधान जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 से जो ये लागू है। अब देखिए, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों, देखिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद है जो कि 22 भागों में विभाजित है, मतलब 22 भागों के अंतर्गत इन 395 अनुच्छेद को शामिल किया गया। हालांकि अनुच्छेदों की संख्या और अधिक है, ठीक है। और देखिए, अनुसूची जो कि अनुसूचियां जो है, जो शेड्यूल्स हैं, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि संविधान संशोधन से है ये वीडियो, तो देखिए अब तक 122 संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और 122 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से 101वां संविधान विधेयक जो है पारित हो चुका है जो कि जीएसटी का था, ठीक है। 8 अगस्त 2016 को संसद ने जीएसटी को पारित कर दिया। इस तरह 101वां संविधान संशोधन जो है लागू कर दिया गया है। अब बात करेंगे पहला यानी प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, और ये अगर तारीख की बात की जाए तो 18 जून 1951 को जो है ये संविधान संशोधन जो है लागू किया गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो पहला संविधान संशोधन में दोस्तों राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, यानी इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकार को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी ठीक है, तो पहले 8 ही अनुसूचियां थी वर्तमान जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो 8 अनुसूची के बाद ये जो 18 जून को जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, और जिसमें क्या उल्लिखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है, इस बात को जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। देखिए, इसके बाद कई है जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छठा संशोधन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, हालांकि देखिए इम्पोर्टेंट्स वही संविधान संशोधन है जो कि वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा है, और तो इसलिए उन्हीं सारे को रखा गया है। तो देखिए, सातवां पे सीधा बात करते हैं। सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ है, और इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया, देखिए इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले 3 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया था लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया और सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अब भारत में राज्यों को रखा गया। अब इसी के अनुरूप जो है केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित भी किया गया है, ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन संबंधित है ये, तो इम्पोर्टेंट यही है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, ये 1 नवंबर 1956 को जो है लागू किया गया। बहुत सारे आर्टिकल्स में सुधार किए गए थे ये राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो सातवां संविधान संशोधन था, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी जोड़े जाते हैं। तो हमेशा जब भी कोई संविधान सुधार होता है तो बहुत सारे आर्टिकल्स में सुधार होते हैं, और साथ साथ बहुत सारे आर्टिकल्स जो है नए और अनुसूचियां भी जोड़ी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए यहाँ पर रहने देते हैं अगर, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के देख लीजिए, कितने हमें सातवां ही जो संविधान संशोधन उसमें कितने सारे आर्टिकल अनुच्छेद में जो है सुधार किया गया, जैसे कि अनुच्छेद 1, 3, 49, 80, 81, 82, 153, 158, 168, 171, 172, 216, 217, 220, 222, 230, 231, 232, इतने सारे अनुच्छेद में जो है सुधार किए गए थे। एक मतलब देखिए कितना मुश्किल काम होता है। इसके अलावा देखिए जो अनुच्छेद जोड़े गए थे, तो 258 ए, 290 ए, 298,
350 ए, 350 बी, 371, 372 ए, 378 ए, इतने सारे जो है जोड़े गए थे अनुच्छेद, ठीक है। और शेड्यूल जो है उसमें भी कुछ सुधार किया गया था, तो जैसे कि 1, 2 और 4, तो 7 भी, तो बहुत सारे हो जाते हैं। खैर अब आगे नहीं, यहाँ चर्चा होगा सिर्फ यहीं तक दोस्तों। उसके 12वां संविधान संशोधन, जो कि पुर्तगाली आधिपत्य वाले जैसे जो क्षेत्र थे गोवा, दमन द्वीप, और इसको जो है भारत का अंग बना लिया गया इस संविधान संशोधन द्वारा। देखिए जो आर्टिकल 240 में जो है सुधार किया गया, इसके साथ अनुसूची 1 में भी सुधार किया गया, जिसके तहत जो है गोवा दमन द्वीप को जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 14वां संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। देखिए 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 का है, और इसमें फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पांडिचेरी को जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया दोस्तों। इसके अलावा जो है इसी समय यानी कि 14वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, इसके अलावा जो इसके अलावा दमन द्वीप और पांडिचेरी को में भी जो है विधान पालिका और मंत्री परिषद की स्थापना से जुड़ा हुआ जो है संशोधन किया गया था। उसके बाद अब सीधा 26वां पे आते हैं। हालांकि और भी कुछ खास नहीं है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 26वां के बात करेंगे, तो 26वां जो हो जाता है 1971 में आता है। ये राजाओं के प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकार को समाप्त करता है 26वां। और इसमें इसके अंतर्गत अगर डिटेल में बात की जाए तो भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया 1971 में संविधान 26वें संविधान संशोधन जो कि 1971 ईस्वी में आया था। उसके बाद 27वां के बात करेंगे। देखिए 27वां जो है जो कि 1971 में आया था, इसमें पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया है। और जैसे कि इसके अंतर्गत जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन अभी तो वर्तमान में ये जो है राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इसके बाद 35वां संविधान संशोधन के बाद किया जाएगा, जो कि सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया। तो देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया था, इसके अंतर्गत जो है ये देखिए एक्चुअली सिक्किम को शामिल किया गया भारत में। देखिए ये जो आया था लागू हुआ है 15 फरवरी 1972 को जो है लागू कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी जुड़ा हुआ देखिए 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में आया था, और इसके तहत जो है दोस्तों देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 35वां और 36वां दोनों ही। तो देखिए जो 36वां है ये 26 अप्रैल 1975 को जो है लागू किया गया, और इसके तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे जो है मिनी संविधान के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है 42वां 44वां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों के बारे में बात होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है इससे ही पता चलता है कि देखिए कई परीक्षाओं में और सभी परीक्षाओं में जिससे प्रश्न जो है कहीं से कहीं ना आते ही रहे। तो बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन का थोड़ा डिटेल में। देखिए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, लेकिन 1 अप्रैल 1977 से इसे लागू कर दिया गया। अब इसके बारे में क्या खास है इसके बारे में आप जान लीजिए कि मुख्य क्या बात था। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता आदि शब्द जो जोड़े गए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही गया है। बहुत सारे अनुच्छेद में संशोधन हुए और बहुत सारे अनुच्छेद को शामिल किया गया, अनुसूचियों में भी संशोधन किया गया, ठीक है। तो इसके अलावा सभी नीति निर्धारक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित कर दी गई, ठीक है। जितने भी सारे नीति निर्धारक सिद्धांत थे, सिद्धांतों के मूल अधिकारों पर जो है सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई, ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो और क्या हुआ खास, तो इसके द्वारा जो है संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखिए सभी विधान सभाओं एवं लोकसभा
कि सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक जो है स्थिर कर दिया गया, यानी 2020 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया था, ठीक है। लेकिन अब तो 26 तक की बात हो गई, 26 तक जो है इसको बढ़ाया गया था, 2026 तक। तो 2026 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि लोकसभा विधानसभा में किसी भी सीटों के जो सीट संख्या उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, ये ऐसा 2026 तक हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये उस समय किया गया था कि लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में फिर वापस जो है 6 से 5 वर्ष ही कर दिया गया है। तो पहले अभी भी पहले तो 6 वर्ष था, लेकिन फिर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, अभी जो है 6 से 5 वर्ष पुनः है दूसरे संविधान संशोधन के द्वारा। उसके अंदर इसके बाद दोस्तों कई और पॉइंट है, जैसे कि इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा, ठीक है। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा ही 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए, और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इसके अलावा इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों पर भी बात किया गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो दोस्तों की निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख जो प्रधानमंत्री होते हैं की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसके अलावा इस संविधान संशोधन द्वारा ही संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए एवं सर्वोच्चता स्थापित की गई। तो दोस्तों टाइम काफी हो चुका है, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में 44वें से लेकर 101वें तक जो है कंप्लीट कर किया जाएगा। तो उस वीडियो को देखना ना भूले। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ठीक है। कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करना नहीं भूले दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, इसका लिंक दिया जाएगा, आप देख लेंगे, तब तक नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।